पसंद किया है, हमारी एक्टिंग पसंद की है, पर सबसे ज्यादा हमारा एक्शन पसंद किया है। बिहार में जब हम गए हैं तो हमने बड़े बड़े बैनर्स देखे जहां लिखा रहता था एक्शन सम्राट मनोज पांडे, तो हमारा एक्शन लोगों ने बड़ा लाइक किया। और अब तक हम जितनी फिल्में कर रहे हैं सब में बेजोड़ एक्शन है। रिएक्शन करते हैं तो एक्शन हमारा पैशन है भाई, एक्शन करते हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आता, हम सिर्फ रम जाते हैं। शराबी को शराब चाहिए और मनोज पांडे को एक्शन चाहिए, तो इस फिल्म में भी जबरदस्त एक्शन है और जहां तक हमें पता है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें इस रोल के लिए कास्ट किया गया। हाँ, लीड रोल में होने के नाते मेरे को ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें वही करना है जो पब्लिक को पसंद हो, पब्लिक को पसंद आए, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते अपने मर्जी के मुताबिक। तो जिम्मेदारी तो खैर हर नेता अभिनेता के या एक्टर के कंधे पे होती है, उसको निभाना ही हमारा। किसी को ऊपर लाना या नीचे ले जाना ये सिर्फ हमारे दर्शकों का ही काम है। अगर मेरी कला को दर्शकों ने पसंद किया, उनको मैं पसंद आई, तो डेफिनेटली मैं ऊपर जाऊंगी। नहीं पसंद आई तो गॉड नोज क्या होगा। तो हम दबंग से ही इंस्पायर होकर, जो ना सलमान खान से इंस्पायर होकर हमने इस फिल्म का टाइटल रखा है, तो कहीं ना कहीं उसकी तो थोड़ी सी दिया हुआ है। लेकिन वैसे जैसे ये सब्जेक्ट और ये सब जो ना, ये लगा जैसे हमारे लिए ही टाइटल उन्होंने दिया है। उन्होंने हमारा जिस तरह का कैरेक्टर था, जो एक चुलबुल मतलब बहुत नटखट सा हमारा एक कैरेक्टर जो कि मनोज प्ले कर रहा है, और दूसरा एक पांडे जो बहुत सीरियस कैरेक्टर है जो मैं खुद प्ले कर रहा हूँ, तो उसमें मतलब ऐसा था कि ये दोनों कैरेक्टर को मिलाकर जो ना एक चुलबुल पांडे बनाया, जो कि दोनों के जो है ना डबल ट्रिपल रोल हैं इस फिल्म में। आपको जाने के लिए मतलब कि इस फिल्म में पहली बार भोजपुरी में हम ट्रिपल रोल के साथ पिक्चर बनाने जा रहे हैं, और मार्च में शूटिंग की प्लानिंग कर रहा हूँ, जो कि जम्मू कश्मीर में जो है ना श्रीनगर में, वो भी हम शूटिंग करने की प्लानिंग किए हैं। और